थाने केजरीवाल, तूने कहा था मैं 700 लीटर पानी हर गरीब को दूंगा। ये बता, दिल्ली में 7 साल में दिल्ली के पानी की खपत है 1100 एमजीडी पानी दिल्ली में लगता है, 900 एमजीडी पानी दिल्ली में केवल आता है, वो भी जो पहले से जब तूने सरकार संभाली 15 में, तब से 900 एमजीडी पानी है। क्या लोगों की डिमांड बढ़ी नहीं होगी केजरीवाल? क्या लोगों के घरों में पानी की आवश्यकता बढ़ी नहीं होगी केजरीवाल? ये बता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि पिछले 7 साल में दिल्ली में कितना एमजीडी पानी बढ़ाया है। जो पानी सोनिया विहार से आता हो, जो पानी हरियाणा से आता हो, उस पानी को साफ करने के लिए, यमुना जी को साफ करने के लिए, या बरसात का पानी यमुना में रोक लिया जाए, उसके लिए तूने 7 साल में क्या किया? लेकिन हम सब लोग गुड़ के चक्कर में जलेबियों को खो रहे हैं। हमें 200 यूनिट बिजली फ्री मिल गई, क्या हमें बसों में माता बहनों को ये कह दिया कि आपको फ्री किराया मिलेगा? वो भी झूठ बोला गया। दिल्ली में अब आकर बसें खरीदी गई हैं कुछ 150 तो मोदी जी ने इलेक्ट्रॉनिक बस बेची है दिल्ली में केंद्र सरकार ने। केजरीवाल साहब 7 साल में बसें खरीदी नहीं गई, जो बसें थी उनकी एक तिहाई भी नहीं गई दिल्ली में, कैसे लोग फ्री में चलेंगे बहने? आज ये धक धक टेम्पो में माता बहनों को नौकरी वोकरी में जाना पड़ता है। मैं लौट कर पानी पे आता हूँ केजरीवाल साहब, आप कहते थे टैंकर माफिया भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा। दिल्ली में जब आप आए थे 750-800 टैंकर चला करते थे, अब माफियाओं को बढ़ा दिया आपने। आपने कहा मैं नल से जल दूंगा, ये 2016 में बोला था, 17 में बोला था। पूछ जाकर कहां नल से जलाता है ओखला उद्योगी क्षेत्र में, कहां नल से जलाता है संगमिया तुगलकाबाद गांव बेलापुर के अंदर, पूछो इस केजरीवाल साहब से। जो पानी हम लेकर आए थे, जो आनंदमय मार्ग पर 20 एमजीडी का ये बनाया था हमने यूजीआर, इसमें 14 में जो पानी आता था उसके अलावा बता तेरे अंदर गैरत बची है केजरीवाल कि तूने कितना पानी बेलापुर के लिए, लाल कुआं के लिए, तुगलकाबाद देखने के लिए बढ़ाया है? पूछिए उसे केजरीवाल से, ये हमारा हक बनता है नहीं बनता है पूछने का? बनता है नहीं बनता है? लेकिन फिर भी वो झूठ बोलता है।